देखते रहिए UBN0@Tarana से अरविंद बोड़ाना की रिपोर्ट। मुहर्रम की 5 तारीख को बड़े साहब का जुलूस निकला शान से। उज्जैन जिले के तराना में मुहर्रम की 5 तारीख को बड़े साहब बाबा का जुलूस बड़ी ही धूमधाम के साथ निकाला। जुलूस नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः अपने मुकाम पर पहुंचा। इस दौरान जगह जगह बाबा साहब का मन्नतों के हिसाब से चेहरा चढ़ाया गया एवं रेवड़ी व मिठाई वितरित की गई एवं शरबत भी पिलाया गया। जुलूस में राजकमल बैंड भोजरासा के उस्ताद शकील भाई ने बेहतरीन कलाम पेश किए। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों एवं नगर परिषद की बड़ी लापरवाही की वजह से स्थानीय पोस्ट ऑफिस से लेकर पूरे नयापुरा चौराहे तक लाइट नहीं लगने की वजह से जुलूस में आयोजक कमेटी को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा और अंधेरे में जुलूस निकालने पर मजबूर होना पड़ा। जिस तरीके से मुहर्रम की 5 तारीख को बड़े साहब बाबा का जुलूस नगर में निकला और प्रशासनिक अधिकारियों ने शांति समिति की बैठक आयोजित करके तमाम सुविधाओं के बारे में बात कही थी और वो सुविधाएं कहीं भी तराना नगर में आज देखने को नहीं मिली, क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से मुहर्रम पर्व सार्वजनिक गणेश उत्सव पूरे शहर में मन रहा है और समिति अपने हिसाब से अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से काम कर रही है, लेकिन कई क्षेत्र जहाँ से अभी एक बड़ा चल समारोह बड़े साहब बाबा का आ रहा है वहाँ भी लाइट की कमी है, सफाई की अव्यवस्था है। वैसे ही सार्वजनिक गणेश उत्सव समिति में भी कई जगह अंधेरा है और सफाई की कमी है, जबकि शांति समिति में कहा गया था कि आप समिति वाले बेफिक्र रहें, कोई बात हो तो हमें बताएं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ने किसी भी क्षेत्र का एक बार दौरा नहीं किया है और इसके कारण अभी एक कल प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और तमाम जगह जहाँ पर भी ये शिकायत करना होगी वह की जाएगी। सर, अब देखने में आया है कि बड़े साहब बाबा की एक बड़ी दौड़ होती है स्थानीय हाटपुरे में और वहाँ पर लाइट नहीं होने की वजह से दो एक बच्चे वहाँ पर बीच में एक तरीके से हादसा होते होते बच्चा, सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से क्या बड़े त्यौहार हैं सार्वजनिक गणेश उत्सव पूरे देश में मन रहा है, मुहर्रम पर्व पूरे देश उत्सव मन रहा है और शांति के साथ मनाने की अपील की तो उसमें तो समिति वाले सब शांति के साथ ही है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था के कारण जो अभी एक दौड़ में घटना हुई है, बच्चे गिरे हैं और परेशानी है, ये वो गंभीर मामला और प्रशासन अगर ऐसी अनदेखी करेगा तो समिति वाले तो विरोध करेंगे और आम जन का अगर आक्रोश हो गया तो फिर स्थिति विपरीत भी हो सकती है। सर, बड़ा जुलूस कहते हैं उसको, बड़ी मात्रा में जनसंख्या रहती है और समाज के वरिष्ठ लोग और गणमान्य नागरिक भी रहते हैं, लेकिन सर इस पूरे जुलूस में देखा जाए तो पुलिस की व्यवस्था भी नाम मात्र रही, 2 पुलिस वाले आगे हैं और मात्र 2 पुलिस वाले पीछे हैं, सर इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? पुलिस के मामले में पहले बताया था उन्होंने कि पूरा पुलिस बल तैनात रहेगा और पुलिस बल को रहना भी चाहिए एहतियात के तौर पर।